Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing great. If you are new to my channel, hi, my name is Madhushmita and you are welcome to Dear Wallet. So finally, after so many requests from you guys, I am doing this video. I know मैं 6 महीने से बोलती आ रही हूँ कि I will do this video. Still get DMs like vlogging के ऊपर video बनाओ, vlogging के ऊपर video बनाओ. And finally, I got time and I'm doing this video for you guys. So sit back tight, grab notes, grab popcorn, grab your tea, whatsoever, because obviously I'm going to explain a lot and this is going to be a talk through video. Please do not skip this video because every point is very essential and I'm sure that you are definitely gonna find this video helpful. And basically I have divided this video into two parts. So main aur ek video dalne wali hoon jisme I'm going to share my blogging journey or my journey. So you have to wait for that video because this is going to be the part one. इसमें मैं focus करने वाली हूँ blogging के ऊपर and specially for those who are going to start with blogging and all. Now before we start talking about blogging, if you are someone who want to start blogging just for collaboration, for free products, paid collaboration, sponsorship and all, then blogging is not for you. But if you are someone who is passionate about blogging and it genuinely interests you, like खुद से ना अंदर से आता है दैट यू वॉन्ट टू डू इट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज. मे जस्ट टेल यू वॉट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉगिंग इज. सो पहले हम ब्लॉगिंग उनको बोलते थे जिनका खुद का ब्लॉग स्पॉट होता था और खुद का वेबसाइट होता था जिनमें वो लोग अपना रिव्यू और आर्टिकल शेयर करते थे. तो अभी जब से इंस्टाग्राम आ गया है, नाउ एवरी वन इज लाइक लिटरली इन टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म जिसमें आपका जितने सारे वर्क है ना, वो बहुत लोगों के पास रीच होता है एंड दे स्टार्टेड रिकॉग्नाइज यू गाइज. बट जब वेबसाइट आ जाता है तो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो गेट रिकॉग्निशन इफ यू हैव अ वेबसाइट. लाइक बहुत लोगों को वेबसाइट तो मिलता ही नहीं है. सो पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग माइक्रो ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम. सो बेसिकली डू नॉट कॉल योर सेल्फ अ ब्लॉगर इफ यू डू नॉट हैव अ ब्लॉग स्पॉट और अ वेबसाइट. यू गाइज आर माइक्रो ब्लॉगिंग. तो अभी माइक्रो ब्लॉगिंग में बहुत सारे कैटेगरीज आता है एंड द मेनली देर आर थ्री काइंड ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली. फर्स्ट आर द इन्फ्लुएंसर्स, देन देर आर कंटेंट क्रिएटर्स एंड देन दे आर इंस्टाग्राम मॉडल. सो गोइंग टू गिव यू फ्यू डिफरेंस टाइप के पॉइंट सो दैट यू कैन बी क्लियर. लाइक जब आपको कोई पूछेगा कि आप क्या हो, यू कैन से दैट आइदर यू आर इन्फ्लुएंसर, यू आर इंस्टाग्राम मॉडल or you are a content creator. First let's just talk about the first category, that are influencers. So basically influencers are the people who have a huge amount of following and their views literally impact all their followers. Followers count doesn't matter when you are influencers. Until and unless you have a huge impact on your followers, you cannot call yourself an influencer. So in short, aapke 1000 फॉलोअर्स हो, 2000 फॉलोअर्स हो, 3000 फॉलोअर्स हो, अगर आपके डिसीजंस और आपके व्यूज उनके बाइंग डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है, देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर. सो द नेक्स्ट कैटेगरी आर द कंटेंट क्रिएटर्स. सो इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स में बहुत ज्यादा फर्क है. यू कैन से दैट ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, बट ऑल कंटेंट क्रिएटर्स आर इन्फ्लुएंसर्स. सो बेसिकली अगर एक लेवल अप करना हो, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ अ कंटेंट क्रिएटर. कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर में बस एक ही डिफरेंस है, दैट कंटेंट क्रिएट जो करते हैं उनमें क्रिएटिविटी है एंड उनका जो वर्क एंड जो भी वो वर्क करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव और हटके होता है. लाइक दे डोंट गो विद द ट्रेंड एंड ऑल. फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेल्फी ले सकता है, राइट, बट उस सेल्फी को हम किसी क्रिएटिव वे में ले सकते. लाइक पोर्ट्रेट, लाइक मानसी उगेल को देख लो. लाइक फोटो तो कोई भी ले सकता है, बट शी इज डूइंग समथिंग लाइक क्रिएटिव. सो शी इज अ कंटेंट क्रिएटर रादर देन एन इन्फ्लुएंसर. सो बेसिक डिफरेंस यही है कि आप जो इन्फ्लुएंसर्स है वो जो भी काम कर रहे हैं, आप जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो उनसे थोड़ा हटके कर रहे हैं एंड इन अ डिफरेंट वे विच मेक्स देम यूनिक एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर. सो कंटेंट क्रिएटिंग इंक्लूड्स मोर ऑफ वीडियो क्रिएटर्स रादर देन पिक्चर्स एंड ऑल. क्योंकि पिक्चर्स में आप थोड़ा बहुत तो क्रिएटिव कर सकते हो, बट मेनली जो ब्रांड्स होते हैं ना वो ज्यादा अप्रोच कंटेंट क्रिएटर्स को करते हैं बिकॉज राइट नाउ वीडियो क्रिएटिंग attracts audience. Also you can express yourself a lot better in videos than in pictures. Third category that are Instagram model. Instagram models are the people who are just have big followings for their looks and for the photo shoots they do with all the photographers. They have nothing, they have just the good face, good figure and good dressing sense. You cannot call them as a fashion blogger, please. You bas शक्ल अच्छा है तो बस इंस्टाग्राम मॉडल बन गए. Those were the three categories and now you can know that which category you are in. Do let me in the comment box which category you are in. You are influencer, content creator and Instagram model. Now let's just start talking about content. So the first thing is finding your niche.
आई हैव ऑल द पॉइंट्स राइट ओवर हियर, सो धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ. इज योर कैटेगरी, सो मेक श्योर कि आप एक ही कैटेगरी में बना रहे हो. अगर फैशन ब्यूटी बना रहे हो देन इट्स ओके, बट इफ यू आर अ ब्यूटी ब्लॉगर डू नॉट इंक्लूड सिंगिंग, डांसिंग, टिकटॉक, वट एवर, डू नॉट मिक्स ऑल ऑफ दोज. जस्ट चूज वन पर्टिकुलर कैटेगरी विच एवर यू आर गुड एट. लाइक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस, क्योंकि आपके ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि what are you doing, like are you singing, are you dancing. So it's very important to know that what your feed is all about. Like selfies to koi bhi leta hai, but what is, like what are you presenting on your profile. Second thing is research. Now this is very 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 important. Like I cannot put more emphasis on this point, that is research and knowledge. Now if you are doing blogging, then research is very very important. No one can spoon feed you, even I cannot spoon feed you. Koi bhi influencers ko poocho, koi bhi content creator ko poocho, wo apna khud ka एक्सपीरियंस बोलेंगे, बट कोई आपको आपके बारे में नहीं बोल सकता. यू नो यू बेटर देन एनीवन एल्स, राइट? सो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. सिंस आई एम अ ब्यूटी एंड मेकअप कंटेंट क्रिएटर, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एग्जांपल अबाउट दैट ओनली. एग्जांपल, इफ यू आर शोइंग अ प्रोडक्ट एंड यू डोंट नो वो किस स्किन के लिए बना है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, एंड वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन से स्किन के लिए बना है, एंड इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज एंड यू हैव नॉट रिसर्च्ड एनीथिंग, एंड कोई आपका वीडियो देखेगा एंड वो आपको बोलेगा कि इज इट मेड फॉर ऑल स्किन टाइप्स, कौन से स्किन के लिए बना है, एंड यू लाइक इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट ऐसे कोई ना कोई एक इंग्रेडिएंट हो जाएगा या फिर वो नहीं बना होगा वो स्किन के लिए, एंड दे विल बाय इट एंड उनका फेस खराब हो जाएगा, उनको ब्रेकआउट होने लगेगा. देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दे आर अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू ब्लेम यू. कैन नॉट गिव एक्सक्यूज दैट सबके स्किन डिफरेंट होता है, जो स्किन मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए नहीं. यू कैन नॉट गिव सच एक्सक्यूज बिकॉज डीप डाउन यू नो दैट यू आर रॉन्ग और आपने गलत बोला है. सो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज एज वेल. अगर आप एक मेकअप ट्यूटोरियल डाल रहे हो एंड यू डोंट नो वट कॉन्टोर इज, यू डोंट नो वट ब्लश इज, यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई अ ब्लश, यू डोंट नो हाउ टू डू कॉन्टोर, देन वाई आर यू डूइंग दिस ट्यूटोरियल? डू नॉट डू इट. इफ यू आर अ बिगिनर एट मेकअप, आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू स्टार्ट मेकअप डूइंग मेकअप वीडियोज और डूइंग एनीथिंग एल्स. यू कैन स्टिक टू रिव्यूज एंड ऑल, बट डू नॉट डू मेकअप ट्यूटोरियल. आई थिंक दैट ऑडियंस विल लाइक योर कंटेंट एंड अल्टीमेटली आपके पोस्ट ज्यादा लोगों को रीच नहीं होगा और आपको ही अच्छा नहीं लगेगा अगर ज्यादा लोग आपके वीडियोज नहीं देखेंगे, लाइक्स नहीं आएगा, कमेंट्स नहीं आएगा. यू डू नॉट वॉन्ट दैट, राइट? सो प्रैक्टिस, नॉलेज, रिसर्च, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ब्लॉगिंग. थर्ड थिंग दैट आई यूजली गेट इज द इन्वेस्टमेंट. सो इफ यू हैव सीन माई हाउ आई एडिट माई वीडियोज, यू नो हाउ जुगाड़ू आई एम. यू जस्ट नीड योर फोन एंड योर दिमाग, दैट इज योर इंटेलिजेंस एंड योर कंटेंट. That's it. You just need these two things and you are good to go. And you do not have to even buy a ring light. मैंने भी starting से ring light नहीं order किया था. You can just depend on daylight. Like कोई भी window के पास चले जाओ and start doing your videos. Phone is the key. Like nothing can stop you if you have content, if you have talent. Remember that. Your quality doesn't matter until and unless you have talent. Also there are other factors as well. जैसे lighting हो और आप कौन सा angle से ले रहे हो. एक अच्छे angle से लो जैसे सब clear देखे. Like अभी यहाँ पे मैं बैठी हूँ, lighting अच्छा है, मैं clear view है, you know you can see my face clearly. तो वैसे type के अगर pictures और videos लोगे तो that would be much better. मतलब आप daylight में ले सकते हो. Now one thing that I want to add, जो कि मैंने अपने वो वीडियो में नहीं बताया था, दैट यू कैन यूज टेबल लैम्प और जो इमरजेंसी लाइट होते हैं वो भी एज आप लाइट यूज कर सकते हो. दोज आर ऑल्सो नॉट बैड, दे आर एक्चुअली गुड. यू कैन ऑल्सो ट्राई दोज एज वेल. इट इज नॉट नेसेसरी टू इन्वेस्ट अ लॉट गाइज. लाइक सीरियसली, अगर आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर या फिर एक फैशन कंटेंट क्रिएटर होना चाहते हो तो जो आपके पुराने कपड़े हैं आप उनको यूज करके भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. यू नो देर आर, आई हैव सीन सो मेनी इन्फ्लुएंसर यूजिंग दोज कपड़ा अगेन एंड दे आर शोइंग देयर क्रिएटिविटी. लाइक माइंड यू, इफ यू हैव क्रिएटिविटी यू नॉट हैव टू बाय अ लॉट ऑफ क्लोथ. लाइक ट्रस्ट मी, सेम अप्लाई टू द मेकअप एंड ब्यूटी ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर एज वेल. आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदना नहीं है, आपके पास जितना है आप उतना ही यूज करो. लाइक नो वन विल गेट बोर्ड, ओके? अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, आई डोंट थिंक कि आपको यू नो कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत है. रिकमेंड कि अगर आपके पास कॉन्टोर नहीं, आप कभी कॉन्टोर नहीं लगाए हो एंड अगर आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हो आई मेकअप लुक्स एंड ऑल में, देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू गाइज टू स्टार्ट डूइंग मेकअप ट्यूटोरियल्स. फर्स्ट गेट वेल वर्स्ड विद द फैक्ट कि हाँ आप अच्छे कर लेते हो, आपके पास वो नॉलेज है. That's what I told in the second point as well. So see, all the points are very relatable, so you can know. धीरे when you start growing, like I know कि आप एक महीने में कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ना, तो you know just save up, like pocket money हो या कुछ भी हो आप save करते जाओ. Like if it really interests you, you are definitely gonna save it up. Just save it and
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स खरीदो जो 300-200 में से मिलता है एंड देन रिव्यू इट कैन हार्म यू इन दैट वे. अबाउट मोर ऑफ इट ऑन माय जर्नी लाइक जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं ये बात करने वाली हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑल द पॉइंट स्ट्रेट. तो एंड आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग. फोर्थ पॉइंट इज ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी. लाइक कुछ भी हो जाए अगर आपका वर्क ओरिजिनल है देन डेफिनेटली ऑडियंस आर गोइंग टू अप्रिशिएट इट. लाइक डू नॉट कॉपी अदर्स. इफ यू आर अ बिगिनर येस गो विद द ट्रेंड. अभी ट्रेंड में जो भी चल रहा है वो करो बट यू हैव अ गुड फॉलोइंग एंड यू थिंक दैट यू कैन डू डिफरेंट एंड यू हैव दैट क्रिएटिविटी देन जस्ट पुट अप योर ओरिजिनल कंटेंट एंड डू नॉट गिव अप. द फिफ्थ पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी. लाइक इफ यू आर गोइंग टू पोस्ट वन पोस्ट वीकली एक बार में देन यू कैन नेवर ग्रो. ट्रस्ट मी यू कैन नेवर ग्रो. देखा है कि अगर मैं दो दिन भी पोस्ट नहीं करती हूँ तो मेरा जो एंगेजमेंट है पूरा लो हो जाता है. एटलीस्ट हफ्ते में 5 बार पोस्ट करो सो दैट योर ऑडियंस विल नो दैट आप जिंदा हो एंड पीपल विल स्टार्ट नोटिसिंग यू. लोग भूल जाएंगे कि हाँ यू आर समवन हु डज दिस वर्क एंड ऑल. सो जस्ट बी कंसिस्टेंसी इज द की. नाउ द सिक्स पॉइंट इज कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम्युनिकेशन डजेंट मीन कि आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बोलो कि मुझे फॉलो करो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे ये करो. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज डोंट बेग समवन टू सी योर वर्क, टू फॉलो योर वर्क एंड ऑल. मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं लाइक लिटरली ईच एंड एवरी डे आई गेट सच डीएम्स लाइक हमको शाउट आउट दे दो, फॉलो फॉर को फॉलो, लाइक फॉर लाइक, लेट सपोर्ट ईच अदर. लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट रिप्लाई टू देम एनी मोर बिकॉज इफ यू आर बिगिंग समवन देन इट फील्स लाइक कि आप अपने कंटेंट पे फेथ नहीं रखते. यू थिंक दैट योर कंटेंट इज नॉट गुड. दैट्स द रीजन व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर इन्फ्लुएंसर्स. इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स बट यू हैव टू हैव पेशेंस. गाइस ये 3 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के. लाइक लिटरली आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड मुझे 3 साल लगे. So I think you can do as well. Have patience and I'm sure you are going to get succeed. And also I want to include in this point that आपके स्टेट में सेम लेवल के आपके जैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ बात करो. टॉकिंग विद समवन एल्स कैन लिटरली मेक यू फील बेटर. एंड जो आपके फील्ड में काम कर रहा है एंड इफ यू आर टॉकिंग विद देम दे कैन लिटरली एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे. सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद ऑल दोज पीपल बट डू नॉट बेग फॉर फॉलो लेट सपोर्ट for support and all. Do not DM or comment or anything. Just interact with them, like genuinely interact with them. Last thing, let's just talk about collaborations. Now collaborations कैसे होता है, क्या होता है, I get a lot of questions about it as well. Now collaborations का simple meaning यही है that when two people work together that is known as collaboration. As simple as it. Now how to get collaboration? Well, you do not have to worry about it at all. अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आप कंसिस्टेंस हो तो ब्रांड्स खुद आपको देखेंगे. लाइक लिटरली ब्रांड विल अप्रोच यू. डू नॉट हैव टू अप्रोच देम. अगर आप बिगिनर देन आप अगर आप सोचते हो कि आपका कंटेंट अच्छा है एंड यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ रिव्यूज और आपका जो फीड होता है ना वो मतलब रिव्यू से भरा हो या फिर कंटेंट वो रिलेटेड के कंटेंट हो देन यू कैन अप्रोच ब्रांड लाइक डीएम देम और ईमेल देम. जब आप ब्रांड के पेज को जाते हो उन पे कॉन्टैक्ट अस होता है ना तो उसमें आप क्लिक करके ईमेल कर सकते हो या फिर उनको डीएम कर सकते हो कोलैबोरेशन के लिए. नाउ हाय करके छोड़ मत देना, लिखना कि हाय आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट और उनको आपका काम अच्छा लगेगा देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिप्लाई योर डीएम. अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा देन दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई. बट डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन लोकल ब्रांड्स है या फिर जेन्युइन स्मॉल स्केल ब्रांड्स है जो आपको अप्रोच कर सकते हैं. और ऑल्सो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस लाइक आस्क योर फेलो ब्लॉगर्स. अगर उनको कुछ पता है लाइक इफ दे नो सम स्मॉल स्केल बिजनेस ब्रांड्स हु आर वर्किंग विद द सेम कैटेगरी ब्लॉगर्स तो उनको अप्रोच करो, उनसे बात करो, फिर अप्रोच करो. यू नो दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली गॉन हेल्प यू. बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत सारे कोलैबोरेशन स्टार्टिंग से ही आ जाएगा. फोकस ऑन योर कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल 5-6 कंटेंट आपके खाली मेकअप और स्किन केयर के बारे में है और बाकी सारे आपके सेल्फीज है, फॉरगेट इट. आपको कोलैबोरेशन नहीं मिलने वाला. मेक श्योर कि एटलीस्ट आपका जो फुल है ना मतलब एटलीस्ट 20-30 कंटेंट होना है. बहुत अच्छा कंटेंट होना चाहिए देन मे बी द ब्रांड विल बी इम्प्रेस्ड एंड दे विल अप्रोच यू. कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं तो देर आर टू काइंड ऑफ कोलैबोरेशन. वन इज बार्टर कोलैबोरेशन एंड देन पेड कोलैबोरेशन. नाउ अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बार्टर कोलैबोरेशन इज द मोस्ट कॉमन कोलैबोरेशन
जो मुझे अभी भी आते हैं, मैं अभी भी पार्टी कोलाबरेशन करती हूँ क्योंकि आई लिटरली जेनुइनली लाइक द स्मॉल ब्रांड्स टू ग्रो. का मीनिंग आई गेस सबको पता ही होगा, हम लोग हिस्ट्री सिविक सब पढ़े थे. सो बेसिकली दे आर जस्ट गोइंग टू गिव यू अ फ्री प्रोडक्ट एंड यू हैव टू रिव्यू इट, दैट्स इट. या फिर उनके कुछ गाइडलाइंस हो गए लाइक दे आर गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट्स एंड उनके गाइडलाइंस हो गए कि आपको ऐसे ऐसे करना है एंड दैट्स इट, तो आपको वैसे भी मिल सकता है. एंड ऑल्सो आई हैव सीन लाइक देर आर व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें आते हैं कि आपको पहले ये प्रोडक्ट बाय करना है, देन 10 दिन के बाद रिव्यू देना है, उसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा. If you are a beginner, you can go for those things, but I personally, I have never done it. Like, I don't want to do it because buy, खुद के पैसे से buy करना, फिर अच्छा review देना. अगर अच्छा review नहीं दोगे तो आपको refund भी नहीं मिलेगा, right? And it is not good for your blogging career as well. So I would request you guys कि ये सब छोटे छोटे blogging बिल्कुल मत करना. हाँ, अगर आप पूरा starting से कर रहे हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, financially आप अच्छे नहीं हो, then you can go for those stuff, but I would not recommend you guys to go for those stuff. Second category are the paid collaborations. Now, paid collaborations में आपको free products भी मिलेंगे. Collaboration or sponsorship doesn't mean कि आपके मुंह पे पैसे फेंक रहे हैं so that you have to talk only good things about it. Please, 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 ये बहुत बहुत गलत thought है. पेड कोलाबरेशन उनको भी बोलते हैं जो ब्रांड्स आपके एफर्ट्स को देखते हैं, लाइक आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और उनको अच्छा लगेगा, देन ओनली दे विल पे यू, राइट? सो ऐसे भी पेड कोलाबरेशन होते हैं. कुछ तो गाइडलाइंस होगा ना, क्योंकि वो आपको पे कर रहे हैं और हम लाइक थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में हमको वो वीडियो बनाना है. या नॉट पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ है व्हेन आई वाज डूइंग अ स्पॉन्सर्ड कोलाबरेशन विथ मामा अर्थ. उनका जो कोकोआ रेंज है मैं वो कर रही थी एंड ट्रस्ट मी वो वीडियो मैं 4 बार बनाई हूँ एंड 3 बार मेरा रिजेक्ट हो गया था. गाइडलाइंस के हिसाब से आई हैव टू शूट इन अ वेरी प्लेन बैकग्राउंड एंड आई डोंट हैव टू इंक्लूड घर का यू नो सोफा एंड ऑल. आई डू नॉट हैव टू इंक्लूड दैट, देयर द बैकग्राउंड शुड बी वेरी प्लेन एंड ऑल. तो ऐसे 3-3 बार करने के बाद माई वीडियो फाइनली गॉट अप्रूव एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम. एफर्ट के लिए आई एम गेटिंग द पेमेंट, नॉट फॉर द रिव्यू. वॉट एवर इफ यू हैव गिवन इन दैट वीडियो आर माई पर्सनल ओपिनियन एंड दैट इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट. सो डू नॉट थिंक कि इफ दैट इज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट आई एम जस्ट यू नो टॉकिंग ओनली गुड थिंग अबाउट इट. लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू इंक्लूड एंड ये क्वेश्चन मुझे बहुत आता है, दैट हाउ टू गेट ब्रांड्स नोटिस यू. फर्स्ट इज यू कैन ऑब्वियसली वर्क विथ योर कंटेंट एंड सेकेंड इज द हैशटैग्स. नाउ दिस इज द सीक्रेट टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज. सो वॉट यू हैव टू डू इज आप जो भी ब्रांड के साथ कोलाबरेट करना चाहते हो उनके फॉलोइंग लिस्ट को जाओ एंड वो ब्रांड ना कोई हैशटैग्स को जरूर फॉलो करते होंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू गेट नोटिस्ड बाय देम, जो वो लोग जो भी हैशटैग्स को फॉलो कर रहे हैं वो हैशटैग्स अपने पोस्ट पे यूज करो. ब्रांड के पेज में फीचर होते हैं, लाइक जो इन्फ्लुएंसर जो ब्लॉगर्स जो उनके ब्रांड में फीचर होते हैं उनके पोस्ट को जाओ, लाइक वो ओरिजिनल पोस्ट को जाओ और देखो कि वो कौन सा यू नो हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, क्वालिटी कैसे, लाइक उनका कंटेंट कैसा है. सो देयर यू कैन सी कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो एंड व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव. सो द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज दैट हैव पेशेंस गाइस एंड जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट. एंगेजमेंट की सोचो मत, फॉलोअर्स की सोचो मत, लाइक्स के बारे में बिल्कुल भी सोचो मत एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू शेयर योर वर्क. इफ दे आर नॉट शेयरिंग योर वर्क वेल, आर दे रियली योर फ्रेंड्स? सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो वेट फॉर द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो वेर आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द एजेंसी नेम्स वेर यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर कोलाबरेशन एंड ऑल, जो कि वो सेकेंड वीडियो में आने वाला है वेर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई जर्नी. सो टिल देन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाई.